पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव एज में होने वाली समस्या है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी वजह से होता है और इसके कारण एक बहुत कॉमन कंडीशन जो है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी यंग फीमेल्स परेशान हैं, वो हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव एक PCOD सप्लीमेंट बताऊंगी जो नेचुरल है, जिसके अंदर हर्बल मेडिसिंस हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं और ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में, जैसा मैंने बताया, PCOD या PCOS के बारे में हम बात करेंगे। सो PCOD PCOS क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन वेरी शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके समझ में आ जाए, और साथ में मैं आपको एक बहुत इफ़ेक्टिव हर्बल सप्लीमेंट इसके लिए सजेस्ट करूंगी जो कि ओवरऑल PCOS के सारे सिम्टम्स को कवर करता है, बॉडी को इंटरनली हील करने में हेल्प करता है और फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस को क्योर करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप सफ़र करते हैं इस कंडीशन से तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ महिलाओं में कंडीशन होती है जो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, 15 से 45 साल की उम्र के बीच में ये होती है एंड ये महिलाओं की ओवरीज को यानी कि अंडाशय को इफेक्ट करती है। ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है और इनका काम होता है हर महीने एग रिलीज करना एंड दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। द फर्स्ट वन इज ईस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन। यही दोनों हॉर्मोन्स हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के अलावा ओवरीज एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, वो होते हैं एंड्रोजेंस। ये होते हैं मेल हार्मोन और बहुत स्मॉल अमाउंट में ओवरी इसे भी प्रोड्यूस करती है। अंडाशय से ओवरी से जो हर महीने एग रिलीज होता है वो फर्टिलाइज हो सकता है स्पर्म से और प्रेगनेंसी ठहर सकती है या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है और इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहला ओवरीज में यानी अंडाशय में सिस्ट हो जाना। सेकेंड, मेल हॉर्मोन्स का फीमेल्स में बढ़ जाना, यानी कि जैसा मैंने बताया आगे कि एंड्रोजन बहुत स्मॉल अमाउंट में मेल हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, तो PCOS की कंडीशन में ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। एंड थर्ड इज़ कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, स्पेशली स्कैंटी हो जाना, मिस हो जाना। सो PCOS में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स में, छोटे छोटे पानी की थैलियाँ ओवरीज में बन जाती हैं। द वेरी फर्स्ट सिम्टम ऑफ PCOS इज इरेगुलर पीरियड। सेकेंड कंडीशन इज कि हैवी ब्लीडिंग, जो पीरियड्स आपको हो रहे हैं उसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। थर्ड वेरी कॉमन सिम्टम इज, और बहुत नोटिसेबल सिम्टम है, स्पेशली महिलाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, वो होता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट वेरी कॉमन सिम्टम इज एक्ने। एक्नेज बढ़ जाते हैं बिकॉज जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होता है। एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से पोर्स में क्लॉगिंग होती है और एक्नेज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज वेट गेन। 80% से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं PCOS से जो सफ़र कर रही हैं उनमें वेट गेन का प्रॉब्लम होता है या वो ओबीज हैं। नेक्स्ट इज हेयर फॉल का इशू, अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस इज द कॉज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज कि हेडेक्स, स्पेशली माइग्रेन हेडेक या नॉर्मल हेडेक भी रूटीन में होने लगता है पेशेंट को, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ महिलाओं में हेडेक ट्रिगर हो जाता है। नाउ हाउ PCOS इज अफेक्टिंग फर्टिलिटी इन विमेन। सो
महिलाओं में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण जो है आज के टाइम में वो PCOS है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज़ है, बिकॉज इसमें ओवुलेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है, ओवुलेशन नहीं होता या फिर इरेगुलर साइकिल्स होती हैं जिसमें कब ओवुलेशन हो रहा है नहीं पता, ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, और ओवुलेशन के बगैर प्रेगनेंसी कंसीव करना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। PCOS पे मैंने एक डिटेल वीडियो और बनाई है जिसमें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिम्टम्स एंड डिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो मैं उसे लिंक कर दूँगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। नाउ टॉकिंग अबाउट अ गुड सप्लीमेंट फॉर PCOS, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल PCOS सप्लीमेंट्स को लेकर, बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंट्स भी हैं जिनके अंदर हर्बल ओरिजिनल इंग्रेडिएंट हैं जो एंशियंट टाइम से यूज़ किए जाते हैं सिस्ट ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस इन्फ्लामेशंस को ठीक करने के लिए। आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ, वो है सैटर्न की PCOS बैलेंस कैप्सूल्स। मैं साइड में पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आप देख लीजिए, दिस इज़ द प्रोडक्ट, इट कम्स इन दिस पिंक बॉक्स पैकेजिंग, के अंदर चार मेन इंग्रेडिएंट हैं, चारों आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, इनमें से होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम प्रिपेयर करते हैं, तो ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, जो हॉर्मोनल इम्बैलेंस PCOS में होता है उसको बैलेंस करते हैं, और साथ में आपकी जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलर करने में हेल्प करती हैं। द कैप्सूल्स कम्स इन अ प्लास्टिक कंटेनर, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके के डार्क कंटेनर में ये कैप्सूल्स आती हैं, एंड बॉक्स को अगर खोलेंगे तो मैं कैप्सूल भी आपको दिखा देती हूँ। सो इस तरीके की रेड कलर की कैप्सूल है जो ईजी टू कंज्यूम है, अभी आगे मैं बताऊँगी आपको कैसे इसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम जानते हैं इसके चार मेन इंग्रेडिएंट और उनके एक्शंस के बारे में। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज शतावरी रूट पाउडर, शतावरी की जो जड़ होती है उसका पाउडर है इसके अंदर इन कैप्सूल में, जो कि पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और विमेन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है शतावरी। सेकंड इज़ अशोका स्टेम बार्क पाउडर, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अमेजिंग इसके बेनिफिट हैं, यूट्रस के ऊपर इसका बहुत अमेजिंग एक्शन है। होम्योपैथिक मेडिसिन अशोका भी हम मदर टिंचर यूज़ करते हैं यूट्राइन ट्रबल्स के लिए, यूट्राइन इन्फेक्शंस के लिए, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए, तो वो है इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा यूट्राइन टॉनिक माना जाता है, यूट्रस की टोनिसिटी को इम्प्रूव करता है एंड ओवरीज के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में, बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थर्ड इसके अंदर है लोदरा रूट बार्क पाउडर, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, साथ में इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। PCOS में इन्फ्लामेशन होता है अंदर, हमेशा आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं सूजन है अंदर, तो उस इन्फ्लामेशन को कट डाउन करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए लोदरा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंदर गोक्षरा फ्रूट पाउडर है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि सैटर्न PCOS कैप्सूल आपको यूज़ कैसे करना है। सो कैप्सूल मैंने आपको दिखा दिया, इसको आपको दिन में एक कंज्यूम करना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद, आप लंच के बाद बेस्ट टाइम है इसको कंज्यूम करने का, तो आप इसे दोपहर के खाने के बाद एक गोली एक ग्लास पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये 60 कैप्सूल्स का पैकेजिंग है, इसका MRP है 799 रुपीज़, 800 रुपीज़ का है, बट अगर अभी आप इसे परचेज करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो सारी जो डिस्काउंट की लिंक्स हैं और परचेज लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पे रख दूंगी, आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप इरेगुलर पीरियड्स एंड PCOS से सफ़र कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो मिनिमम 3 मंथ्स आप इसे यूज़ करिएगा कोई भी रिजल्ट्स, विजिबल रिजल्ट्स देखने के लिए। इसके साथ साथ PCOS के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको मैं हमेशा काउंसिल करती हूँ कि किसी भी पैथी की मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस, पॉजिटिव बिहेवियर, एक्सरसाइज एंड गुड डाइट। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका 50% PCOS ऑलरेडी
जो है वो ठीक हो जाता है और बाकी की हेल्प आपको फिर मेडिसिन से मिल जाती है। तो वो आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छा खाइए, बहुत अच्छा सोचिए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज इज़ द की टू क्योर PCOS, एक्सरसाइज करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल।